यूपी कानपुर में सिक्योरिटी कंपनी द्वारा अपने ही गार्डों को वेतन न देने व वेतन मांगने पर झूठे मुकदमे लगाने की धमकी देने का आरोप लगा है। आपको बताते चले कि कानपुर के टॉप टू सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है, जिस कंपनी के डायरेक्टर अमन मलिक एवं CRM सुनील राठौर पर उनके ही एम्प्लॉई राजेश गुप्ता ने अपर श्रम आयुक्त को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि कंपनी गार्डों का शोषण करती है और वेतन नहीं देती है। जब गार्ड वेतन लेने पहुंचते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि वेतन भूल जाए, यदि वेतन मांगा तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। यह मामला कानपुर के राजेश गुप्ता का है। आइए सुनते हैं उनके परेशानी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश गुप्ता है। मैं टॉप टू सिक्योरिटी में जॉब करता था नाइट गार्ड के रूप में। मैंने दो साइडों में इनकी काम किया हुआ है और जो करीब 14 दिन का मेरा पैसा है और मेरे अपनी सिक्योरिटी से मुझे हटा भी दिया गया है। जब मैं पैसे मांगने जाता हूँ तो मुझे बदसलूकी करी जाती है, गंदी गंदी गाली देते हैं और बोलते हैं तुम्हारा कोई पैसा नहीं है और तुम्हारे दम हो तो ले लो आके। और मैं बराबर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मैं गरीब आदमी हूँ, कोशिश करें। मेरे एक दो बार मैं गया भी, रोने भी लगा कि सर प्लीज़ मेरा पैसा दे दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 8-9 हज़ार के रुपए में अपना घर का भरण पोषण करता हूँ सर, लेकिन सर प्लीज़। उन्होंने मेरा एक भी पैसा नहीं दिया और बराबर हमको टॉर्चर करते हैं घुमा घुमा के बातों में कि आपने चोरी करी है, हम चोरी के केस में फंसा देंगे, 2-4 महीने की सज़ा दिला देंगे, आप सैलरी नहीं तो भूल जाओ। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर चुका हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तब आज मैं ये श्रम विभाग के उसमें अप्लीकेशन लेके आया हूँ सर, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मैं कई जगह जा चुका हूँ मीडिया के माध्यम से और पुलिस को भी सूचना दी है, तो पुलिस ने बोला है कि ये आप यहीं पे जाइए, यहीं पे अप्लीकेशन लेके जाइए, तो जैसा हो भी आप हमको बताइएगा। सर आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप कृपया आप मेरी मदद करें। राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब परिवार में शामिल होने हेतु पत्रकार, अधिवक्ता व समाज सेवी आज ही संपर्क करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश व समाज की रक्षा संगठित होकर करें।